जिस मकसद से यहाँ पर जुड़े हैं, आज जन सुराज की मेंबर बनने वाली हूँ, बन चुकी हूँ, उसकी छोटी सी हिस्सा बनकर आज बिहार की बेटी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जिसपे जैसा कि हमारे माननीय सर ने कहा कि पिछले 14 या 15 महीनों से कंटिन्यूअस प्रशांत सर कंटिन्यूअस पद यात्रा कर रहे हैं, जहां पर हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है, घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का, बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ। और बड़ी कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं एक अभियान से जुड़ू, ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूँ, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूँ, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूँ। जी हाँ, फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूँ और आगे देखते हैं, अगर प्रशांत की इच्छा रही तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। जी मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में प्रोग्राम खा रही है। मैं फिलहाल कुछ नहीं हूँ उनके सामने, मैं एक कलाकार पहले थी और अब यहाँ पर भी आई हूँ नो, एक समाज को सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए, जो भी चीजें चल रही हैं, जो कि हर एक यूथ चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि हमारा बिहार बदले, समाज बदले, सोच बदले, शिक्षित बिहार हो, उसमें एक पहल है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों का, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे हमेशा से सराहते आए हैं, मैं चाहती हूँ सब बिहार के लोग भी मुझे उसी तरीके से प्रेज करें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, ताकि मैं इन चीजों में और अग्रसर होकर। ये प्रशांत किशोर के क्यों चुना रहे हैं? क्योंकि जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। बीजेपी भी है, कुछ अलग पार्टियों में भी है, जहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है विचारधारा पहले बदलना, जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 15 महीनों से पद यात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए। उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊं, या क्या समाज को सुधारने में मेरी क्या मदद हो पाए। मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ जितने भी युवा हैं मेरे साथ साथ बोलो भी। ये लोकसभा का चुनाव है 24 में, और क्या 24 से पहले आपकी तैयारी भी है? बात अभी बोल दिया कि कोनो पार्टी से नहीं की जुड़ा था, तो कुछ भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। कल क्या हो जाए वो पता है आपको? आप कलाकार थी, आज पॉलिटिशियन हो गई, तो आप पॉलिटिशियन कैसे आप कह रहे हैं? मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी से जुड़ी नहीं रही हूँ सर, एक कलाकार होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते एक नई पहल करने जा रही हूँ। श्योरिटी तो आप हम नहीं दे सकते हैं अपने जीवन का, तो हम कल क्या होगा वो कैसे हम आपको आज बताएं? इससे पहले आप जी मैं आपको बता रही हूँ सर कि मुझे पार्टी, किसी पार्टी से जुड़ना ही नहीं है। मेरे लोग जो है, आप नितिन सर का नाम ले रहे हैं, नितिन सर बहुत सम्मान बहुत प्यार देते हैं मुझे, अक्सर मुझसे बहुत सीनियर है और मैं भी उनको पिता तुल्य मानती हूँ। तो बहुत सारे पार्टियों में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो जानने वाले हैं, और लोग एकदम ऐसे आशीर्वाद के तौर पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, प्यार देते हैं।